हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान, हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए हम, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की। प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं श्रीमती सुषमा श्रीनाथ कंची आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। हिंदी देश की पहचान एवं शान है। वैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा का उगम संस्कृत भाषा से हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी भाषा का योगदान अधिक था। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां अर्थात उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है, जिनमें भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, भगेली, ऐसी कई सारी हिंदी भाषा की बोलियां मिलती है। हिंदी भाषा का विस्तार केवल भारत में ही नहीं तो पूरे दुनिया में हुआ है, और इससे लोगों के मन में हिंदी के प्रति कितना लगाव है यह समझ में आता है। प्रिय छात्र छात्राओं, अपनी देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में हिंदी भाषा का अमूल्य योगदान है। किसी भी देश की पहचान मातृभाषा से होती है, इसीलिए सदैव हमें अपनी भाषा का मान सम्मान एवं सृजन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ध्यान से सुनना राजभाषा है, मैं धीरे से खोल रही हूँ, कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार। जी हाँ, मैं प्रेमलता चौधरी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष में तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी के रूपों में हुआ है, पर साहित्यकारों ने अपने विचारों को, अपने अनुभवों को जनमन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का ही सहारा लिया है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो संवाद के मुख्य माध्यम के रूप में उभर कर आई है। हिंदी पूरे विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में तीसरी भाषा है। इससे ही हिंदी भाषा की लोकप्रियता समझ में आती है। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि मुट्ठी की ताकत उसकी उंगलियों के सहारे से बनती है। उसी तरह से हिंदी भाषा की मुट्ठी की ताकत बढ़ाने के लिए तथा हिंदी भाषा को मुख्य प्रवाह में आगे बढ़ाते रहने के लिए
अन्य भाषाओं से भी तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको सुवर्णा कुमारी चौहान जी की मेरा नया बचपन एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर या बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रही तो खेलना खाना, फिर फिरारा निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है इस बचपन के अतुलित आनंदों को। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जाने, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चित्रों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। मैं रोना काम छोड़कर आई, मुझे उठा लिया, झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गिले गालों को सुखा दिया। में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भारत देश में बहुत सारी
भाषा पढ़ी जाती है, बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी भाषा संसार भर में 4th स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। जय हिंद, धन्यवाद। तुलसी उदास के दोहे, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत मामा, महावीर विक्रम बजरंगी, तुमत निवार सुमत के संगी। बाय। तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म और आपका सत्य भगवान का नाम मनुष्य का साथ देते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पाले पोछे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया शरीर के मुख के समान होता है। जिस तरह एक मुख भोजन करके पूरे शरीर का ध्यान रखता है, उसी प्रकार पूरे परिवार का मुख्य पूरे सदस्यों का ध्यान रखता है। धन्यवाद। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, पीला लूटी वो पिया, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे अर्जुन का समय खराब हुआ तो वो भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा कीजिए और बिना किसी भय के चैन की नींद रोइए। यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो कर ही रहेगा, इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। गुरु गोविंद दो खड़े राखे राखो पाओ, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप हो, और मन को शीतल करे आप शीतल हो। छे हिंदी दिवस मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनाने वाली हूँ, उपेक्षा। इसी तरह उपेक्षा मेरी क्यों करते हो मतवाले, आशा के कितने अंकुर मैंने है उरा में पाले, विश्वास वारी से उनको मैंने है सींच बढ़ाए, निर्मल निकुंज में मन के रहती हूँ सदा छुपाए, मेरी सासों की लू से कुछ आचरण उनमें आए, मेरी अंतर की ज्वाला उनको कभी ना झुलसाए, कितने प्रयत्न से उनको मैंने हृदय नींद में अपने बढ़ते लग खुश होती थी। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस, जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे अपनी भाषा पे गर्व है। भारत देश में हमारे एकता और अखंडता ही देश की पहचान है।
हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी जुबान है। आप सभी को हिंदी 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 दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। मोहन से तो आज हो गई है मेरी कुट्टी अम्मा, अच्छा है साला जाने से मिली मुझे छुट्टी अम्मा। लोद सबेले आकर मुझको वह शाला ले जाता था, 10 बजते हैं उसी समय तो वह मेघल आता था। मोहन बुला नहीं है अम्मा, मैं उसको करता हूँ प्याला, फिर भी जाने क्यों हो जाया, कलती है उससे तकलाला। यह क्या पुट्टी होने पर भी वह आलहा, यहाँ मोहन आते देख उसे विजय सिंह खुश हुए बहुत, मन ही मन बोले पुट्टी तो है मोहन, फिर तुम कैसे आए हो, फूल देख उसके बस्ते में पूछा यह क्या लाए हो, चलो दोस्ती कर ले फिर से, दे दो हमको भी कुछ फूल, खाना खिला दो अम्मा अब हम जाएंगे स्कूल। शब्द विचारी जो चले गुरमुख होए निहाल, काम को व्यापे नहीं कबूतरा से काल। भावार्थ गुरु की सीख अनुसार जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसे क्रोध इच्छा नहीं सताते और वह किसी कल्पनाओं के मुंह में नहीं पड़ते। संत कबीर जी के दोहे हिंदी साहित्य में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं। सहज एवं कम शब्दों में गहरी सहज एवं कम शब्दों में गहरी बात कबीर जी कहते थे, मानो तो दोहे घाघर में सागर भर देते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीयों की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। काली कोयल है पर कितनी मीठी बोली है, इसने ही तो कुन कुन आमों में मिश्री हो रही है, यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल को कहेगी ही जाएंगे पीले रस भरे भरे, यह हम एक कर टपक पड़ गए हम खुशी से खाएंगे, ऊपर गाएगी कोयल हम नीचे उसे बुलाएंगे, कोयल कोयल रच बताओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इसे डाली पर आई हो। धन्यवाद। देखो कोयल काली है पर कितनी मीठी बोली है, इसने इतकुकर आमों में मिश्री बोली है, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस टहनी पर आई हो, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, क्या कोयल क्या तुमने मिठास अपने माँ से पाई है, कबीर दास जी कहते हैं दुख में सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई नहीं करता, अगर सुख में भी भगवान को याद करे तो दुख होगा ही क्यों। अगला दोहा,
आज करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ कबीर जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसका अर्थ कबीर दास जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, आज करना है उसे अभी करो, इसी समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। क्या आपको पता है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी और बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुक्रिया। इस तरह उपेक्ष मेरी क्यों करते हो मतवार, आशा थे मैं दूर मैंने है उर में पाले, पारी से उदो मैंने है सिर पड़ाए, निमन तुझते मन में रहती हूँ सदा छिपाए, ना सोती हूँ से अभी आज नाम फैल आए, मेरे अंदर तीज वाला तभी ना उन्हें झुसलाए, इतने प्रयत्न से उन दो मैं हृदय नीर अपने, बढ़ते लत तुष्ट होती थी देखती थी सपने, इस भांति उपेक्षा मेरी करते मेरी अवहेला, तुमने आशा जीत लिया मछली थिलने की बेला, काल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब, कबीरा बहुरी करोगे कब। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो कार्य आप कल करना चाहते हैं उसको आज ही पूरा कर दीजिए, और जो कार्य आप आज पूरा करना चाहते हैं उसको अभी, पल भर में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर आप उस कार्य को कब कर पाओगे। थैंक यू। मेरा नाम काव्या राहुल नाइक है, मैं एक्ट करने वाली हूँ कोरोना के विषय। मुझे नींद क्यों नहीं लग रही है? थोड़ा घूम लेती हूँ बाहर, मतलब फ्रेश लगेगा। कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है इस कोरोना के वजह से, सब सुनसान पड़ा। क्या कर, बहुत स्कूल की याद आ रही, थोड़े बुक्स पढ़नी चाहिए। हिंदी तो मेरा फेवरेट विषय था, मैं वो ही पढ़ूंगी। मुझे हर चीज़ को हाथ लगाने से क्यों डर लग रहा है? अपना सो जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगेगा। आओ आओ, अब
आओ मेरे पास। ये तो कोरोना हमसे डर के भाग गया। देखा दोस्तों ये कोरोना कैसे हमसे डर के भाग गया। आज 14 सितंबर को हम हिंदी राज्यभाषा दिवस मनाते हैं। सभी स्कूल विश्वविद्यालयों में यह दिवस मनाया जाता है। क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम ये दिवस क्यों मनाते हैं? हमारा भारत विविधता से भरा है, अनेक जाति धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश के सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सभी राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता थी। हिंदी एक ऐसी भाषा है वो 70% भारतवासियों को समझती है। इसी कारण हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में आज आपको सुनाऊंगी। जाती सिंहासन हिले उठे बंसों ने गुटके तानिए थे, बूढ़े भारत ने आया फिर से नई जवानी दी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दो तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठे संसार में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे दी हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की वो बोली बहन छवीली थी, लक्ष्मी बाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेलती थी, बर्छी डाल कटारी उसकी यही सहेली थी, बूंदे ली हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कभी लागे अति दूर। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत आगा है हिंदी, सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी, सरल शब्द में कहा जाए तो हम भारत के पहचान है हिंदी। जय भारत माता की जय। थैंक यू। एक भाषा के तौर पर हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि हमारे जीवन मूल्य संस्कृति एवं संस्कारों की एक सच्ची संवाहक संप्रेषक और प्रत्यायन भी है। बहुत सरल सहज और सुगम भाषा होने के साथ यह विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। दुनिया भर में इसे समझने बोलने और चाहने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, इसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उसी नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठे फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर से मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतना खुश हो जाती मुझे देखने, काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में छुप जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मेरा नाम दामिनी किरण गोड़ से है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस और हिंदी भाषा के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भारत दुनिया के सबसे विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। धर्म परंपरा और भाषा में इसकी एक विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है। हिंदी भाषा दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली पढ़ी व लिखी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ। तब से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। हमारे देश में हर साल हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को हमारी मातृभाषा बोलते हुए गर्व महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम इस दिन को उत्सव से मनाते हैं। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषी है। इसी कारण 14 सितंबर 1941 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। यह हमारे देश की प्राचीन और सरल समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिंदी पूरे भारत को मनाए रखती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे और जितना हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करना होगा। तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। भारत की गौरव कथा है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी है मातृभाषा, सभी इसे जरूर अपनाएं। अपने बच्चों को हिंदी पढ़ना जरूर सिखाएं। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदु हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अनुमान है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा का जन्म प्राचीन संस्कृत भाषा में से हुआ है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है और विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक है। हर देश की पहचान उस देश की राष्ट्रभाषा और संस्कृति से होती है। किसी भी देश की एकता और स्थायित्व में उस देश की राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सन 1950 में जब भारतीय संविधान बना तब हिंदी
भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस राष्ट्रीय भाषा के धागे से सब भारतीय एक साथ आदान प्रदान के लिए बंधे रहे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भाषा होती है जो देश का मान सम्मान गर्व होती है। विश्व में कई सारे भाषाएं बोली जाती है लेकिन हिंदी भाषा को विशेष महत्व होता है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक स्थान लेती है। धन्यवाद। असल हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत के एक सिंधु शब्द से होता है। सिंधु एक नदी का नाम है जो भारत की सबसे प्रमुख और प्राचीन नदियों में से एक है। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ता गया और इस भाषा ने हमारी राष्ट्रभाषा की जगह ले ली और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद किया जाता है। इसका कारण यह है कि हिंदी भाषा में हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान को जोड़ती है। हर किसी हिंदुस्तानी नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपना अपना प्रेम और आभार प्रकट करे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक, हर किसी वर्ग का नागरिक हिंदी बहुत आसानी से बोल सकता है। थैंक यू। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। ऐसी यह हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूल और कॉलेज में हिंदी भाषा के संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मानने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व के लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार भर में चौथे स्थान पर सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं कि कुछ लिखा अलग है और बोला अलग जाता है, बल्कि इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ अलग होता है और उसका अर्थ कुछ अलग होता है और उच्चार कुछ अलग होता है, पर हिंदी एकदम स्पष्ट भाषा है। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको सबसे अच्छी भाषा भी कहा था। और हमें पता है कि हिंदी, हम भारत के किसी भी कोने में जाओ हिंदी सबको समझ में आती है, इसलिए ये सबसे अच्छा हिंदी का एक हिंदी इसलिए हमारी राज्य भाषा भी इसको बनाया गया है। और बहुत पर मुझे लगता है कि हिंदी को हमने हर कामकाज में यूज़ करना चाहिए। हिंदी को बोलने में कतराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जितना हम इंग्लिश को महत्व देते हैं उतना भी हिंदी को भी देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।